गुरु साहब ने जो जनेऊ की गल की उन्होंने पूरे शरीर दियां इंद्रियां ते जनेऊ की व्याख्या कर दी। उन्हें कहा जी मैं जनेऊ पाया। महाराज कहिंदे तां मतलब तू धर्मी है? कहिंदा जी। महाराज कहिंदे तेरी जीभ ते जनेऊ पाया, सवेर तो शाम तक किन्नियां दी बदखोई करना है। अर्थ बदल दिते ना, तेरे कन्नां च जनेऊ पाया, किन्नी निंदिया चुगली सुनना। इथों तक शब्द वरत्या कि तेरी वासना वाली इंद्री भी तेरे वस नहीं, तू कादा धर्मी बनिया बैठा। वो जरा पाठ करने, तग ना इंद्री तग ना नारी, भलके थुक पवे नित दाड़ी, तग ना पैरी तग ना खत्थी, तग ना जेवा तग ना अखी, वे तगा आपे वत्तै वट धागे अवरा कत्तै लै पहाड़ करे व्याह, कट कागल दसै राह, सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा, नौ सुजान मनो अन्ने बारो स्याणा। हुण आपां जदों भी कोई सच धर्म है, सच धर्म शब्द वरत्या, वैसे धर्म तो अपने आप च हुंदा ही सच है, जदों भी कोई अंदर दी अवस्था नूं पहुंचदा वो अपने धर्म दे जिहड़े कर्म कांड ने जे उहदे च असलीयत नहीं तो उहदा खंडन करदा। आप सब नूं पता है बाबा फरीद साहब पंज वक्त दी नमाज दी गल करदे, फरीदा बेनिवाजा कुत्तिया कहिंदे आ, ते नमाज मुसल्ले ते पढ़ के बैठ के की जाती, पर उन्होंने नाल शब्द एदा खंडन भी किया। कन मुसल्ला तेरे मोढ़े ते मुसल्ला नमाज पढ़न वाला, सूफ गल तेरे गल विच सूफियां वाला चोला है, सूफ तो ही शब्द बने है, सूफी चोला उन्हदा चोला भी कहिंदे। कन मुसल्ला सूफ गल दिल काती, जबान नाल तू पंज वक्त दी नमाज पढ़ना पर तेरे दिल विच कैंची है, तेरे ख्याल तेरा अंदर इन्ना निकम्मा है, तू उस ख्यालां नाल लोकां दीआं जड़ां वड़ना, तू मोमिन कादा है। दिल काती गुणवात, बाहर दिसै चानना दिल अंधारी रात। मेरे कहन तो मुराद गुरु नानक साहब जी दी जोत ने परपंच दा पखंड दा रज के विरोध किया, पर दूजे पासे राजसी तौर ते जदो कोई जुल्म करदा ते गुरु नानक दी जोत ने उहदा भी विरोध किया। इकला जबानी नहीं किया, सामने खड़ खलोते। कल भी मैं बेनती की कि बाबर आया है, तो कल मैं कहा सी गुरु साहब ने जमकर मुगल कहा सी कि जमदूत चढ़ के आ रहा है। हजूर सच्चे पातशाह ने उत्थे एक होर गल कही, मैं थोड़ी जी आपनूं बेनती करा, वेखो किसे भी इन्ना कमान करियो बाबा जी दे इस बचना ते कि उस वक्त का जिन्ना भी साहित है जो गुरु नानक दी बाणी दे चार शब्दां च कह दिता गया बाबर नाल संबंधित, उस वक्त का कोई साहित का कवि होवे दूजा होवे किसी की जरूरत ही नहीं पई ये गल कर सके।